अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हो रहा है वीडियो दोस्तों, यार आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ GitHub के बारे में। बट बिफोर वी प्रोसीड अ बिग शाउट आउट टू ट्विनस्टैक 2.0। ही रिसेंटली सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आई ऑलवेज डू अ रैंडम शाउट आउट फॉर माय सब्सक्राइबर्स, सो इफ यू वांट टू गेट मेंशन इन माय नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब नाउ। यार हम लोगों ने मोस्टली सुना होगा GitHub के बारे में, क्योंकि मेरा चैनल इथिकल हैकिंग से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें मैं एक लिंक यूज करता हूँ गिट का, ठीक है। गिट क्लोन के बाद एक लिंक को हम लोग यूज करते हैं। बट आप लोगों को नहीं पता है कि ये गिट क्लोन का लिंक क्या है या फिर GitHub क्या है। आपको पता हो, काफी लोगों को ऑलरेडी पता हो, बट एक जो प्रॉपर गाइडेंस होती है वो हो सकता है आपके पास ना हो, क्योंकि हम लोग हैकिंग से रिलेटेड चैनल चला रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हैकिंग से रिलेटेड GitHub को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपली बात करते हैं कि GitHub है क्या। तो आप लोग इसे बोल सकते हो एक कम्युनिटी या फिर एक ऑनलाइन स्पेस या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूज होता है प्रोजेक्ट्स को सेव करने के लिए। वहां पर हम लोग अलग अलग रिपोजिटरीज को क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को वहां पर सेव कर सकते हैं। एंड क्यों सेव करते हैं हम लोग वहां पर GitHub पर, हम लोग ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। हमारे पास और भी काफी ज्यादा ऑनलाइन ऐसे मीडियम मौजूद हैं जहां पर हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को सेव कर सकते हैं, बट लोग GitHub को ही क्यों यूज करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसका आंसर ये है कि GitHub पर जब भी हम कोई प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वेबसाइट डेवलप की है एंड मैं उसका सोर्स कोड वहां पर अपलोड कर देता हूं, उसके बाद मुझे चाहिए अपने उस एप्लीकेशन में या फिर उस वेबसाइट के कोड में कुछ इंप्रूवमेंट मुझे करनी है, तो मैं क्या करूंगा उसे GitHub पर अपलोड कर दूंगा। एंड उसके बाद मैं कुछ डेवलपर्स को हायर करूंगा एंड उनको बोलूंगा कि ऐसे मेरा GitHub पर सोर्स पड़ा हुआ है, उसका कोड सारा ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया है, आप लोग उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करो तो मैं आपको पे करूंगा। अब वो जितने भी डेवलपर मैंने हायर किए होंगे वो GitHub पर जाकर मेरे उस सोर्स कोड को देखेंगे, ठीक है, उसको उसी पर GitHub पर ही उसे वो एडिट करेंगे। कुछ अगर उनको लगता है कि वो कुछ एडवांस लेवल का वहां पर ऐड कर सकते हैं सोर्स कोड में, तो वो वहां पर ही उसे ऐड करके पब्लिश कर देंगे। अब वो सारी चीजें जो भी चेंजिंग वो करेंगे, अब मैं उसको अपलोड करने वाला हूं सोर्स कोड को, ठीक है, मैं उसका ओनर हूं जिसने अपलोड किया, तो मैं सारी चेंजिंग देख सकता हूं। उसके बाद जो मुझे लगेगा कि चेंजिंग इस बंदे ने बेस्ट की है, इस डेवलपर ने अच्छी की है, मैं उसको इंप्लीमेंट कर दूंगा उस सोर्स कोड में डायरेक्टली। लेकिन ये काम हम लोग आम स्पेस में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना सोर्स कोड ड्राइव पर अपलोड कर दिया तो मैं पहले क्या करूंगा, ड्राइव का लिंक दूंगा उनको, फिर वो क्या करेंगे लिंक से मेरे कोड को डाउनलोड करेंगे, उसको एडिट करने के लिए अलग एडिटर में उसे ओपन करेंगे, एंड जैसे वो एडिट कर देंगे उसके बाद दोबारा से वो ड्राइव पर अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस बन जाता है, इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं GitHub को, क्योंकि ये एक ऑनलाइन रिपोजिटरी आपको मिल जाती है, उसी पर आप जो चेंजिंग करना चाहते हैं वहां पर आपको एक एडिटर भी मिल जाता है जिसमें कि आप सोर्स कोड में चेंजिंग कर सकते हैं एंड काफी सारी चीजें आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वो बंदा जिसने उस रिपोजिटरी को बनाया होगा या फिर जो भी उसका एडमिन होगा वो सारी चेंजिंग देख सकता है, उसे रिमूव कर सकता है, उसे इंप्लीमेंट कर सकता है, वो सारी चीजें उसके हाथ में होती हैं। तो ये क्लियर हो गया कि GitHub क्या होता है। ये एक फ्री में सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसा मीडियम है जिसमें कि हम लोग कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अपना प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं ऑनलाइन। यहां पर मैंने सेव कर दिया ऑनलाइन, ठीक है, मैं कहीं भी चला जाऊं पूरी दुनिया में, मैं उसे कहीं भी बैठकर एक्सेस कर सकता हूं, उसमें चेंजिंग कर सकता हूं, अपना वो सारा कोड मैं जो है उसे मैनेज कर सकता हूं। अब बात करते हैं कि इथिकल हैकिंग में GitHub का क्या काम है। तो जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लोग वहां पर अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हैं, अब प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हैं तो वहां पर टूल्स को भी अपलोड किया जाता है। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम करते हैं, हम लोग काफी वीडियोस में इस बारे में बात कर चुके हैं, आपने अक्सर देखा होगा क्योंकि हमारा चैनल इथिकल हैकिंग से रिलेटेड है। तो जब भी मैं टर्मक्स का यूज करते हुए गिट क्लोन की कमांड देता हूं, उसके आगे मैं एक लिंक पुट करता हूं एंड उस लिंक के लास्ट पे क्या लिखा होता है डॉट गिट, यानी कि वो जो टूल है वो कोई सा भी टूल हो सकता है, वो अपलोड है GitHub पर। हम लोग क्या करते हैं उसको वहां से डाउनलोड करने के जाए डायरेक्ट अपनी टर्मक्स में उसे क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करने का फायदा ये हो जाता है कि हमें अलग से टूल को डाउनलोड नहीं करना पड़ता, डाउनलोड करने के बाद हमें उसे टर्मक्स में लाना पड़ेगा। टर्मक्स और लिनक्स में हम लोग सेम गिट क्लोन करके उसे बगैर अपने पीसी में या अपने सिस्टम में डाउनलोड किए उसे डायरेक्ट क्लोन करके लेके आ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी छोटी सी वीडियो थी, मुझे काफी ज्यादा कमेंट इस चीज से रिलेटेड आ रहे थे कि भाई GitHub क्या फ्री है, क्या हम लोग खुद का टूल बना सकते हैं, क्या उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे या फिर उसका यूज कैसे किया जाता है। तो मुझे लगा मुझे एक प्रॉपर वीडियो बना देनी चाहिए जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि GitHub होता क्या है एंड क्या वो फ्री है या नहीं है। तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी बंदा जाकर वहां पर साइन अप करके अपनी रिपोजिटरीज बना सकता है, वहां पर अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकता है, अपने सोर्स कोड को अपलोड कर सकता है एंड उसे पूरी दुनिया में एक्सेस किया जा सकता है अगर आपने अपनी रिपोजिटरी को पब्लिक रखा होगा। लेकिन अगर आप उसे प्राइवेट रख देंगे देन वो आपके अकाउंट से ही लॉग इन करके आप उसे देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर पहले से नहीं किया होती यार क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।